पुष्पा 2 के मेकर्स रिलीज से पहले हुए माला माल। फिल्म पर हुई करोड़ों रुपयों की मूसलाधार बरसात। इस OTT से इतने करोड़ में हुई डील पक्की, आधा बजट कवर हो गया है। तो आइए जानते हैं कि पुष्पा 2 की रिलीज से पहले ही मेकर्स ने पुष्पा 2 के डिजिटल राइट्स को कितने में और किस OTT पर बेच डाला है। बता दें कि अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा साल 2021 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन किया था। ये फिल्म लोगों को इतना पसंद आई कि इसके दूसरे पार्ट फिल्म पुष्पा 2 का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 6 दिसंबर को थिएटर्स में दहाड़ लगाने वाली है। दरअसल इस फिल्म के OTT राइट्स बिक गए हैं और रिलीज से पहले ही बम्पर कमाई भी हो गई है। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 पहले थिएटर्स में फिर OTT पर एंटरटेन करेगी। मेकर्स ने OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के साथ डील पक्के की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेटफ्लिक्स ने अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 के OTT राइट्स 270 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। इस तरह से मेकर्स ने फिल्म का आधा बजट कवर कर लिया है। बताया जाता है कि इस फिल्म को 500 करोड़ रुपए में बनाया गया है। फिल्मों के OTT राइट्स डील की बात करें तो फिल्म पुष्पा 2 चौथी सबसे महंगी भारतीय फिल्म बन गई है। वाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुकुमार के डायरेक्शन में बनने वाली अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा 2 बॉक्स ऑफिस पर विक्की कौशल की फिल्म छावा से भिड़ने वाली है, क्लैश करने वाली है। अब ऐसे में देखना रहेगा कि फिल्म के डिजिटल राइट्स बिकने के बाद अब इसके थिएट्रिकल और म्यूजिकल राइट कितने में बिकते हैं। वेल, फिलहाल आप ये बताइए कि आप पुष्पा 2 को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।